हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मेरी आवाज़ आप तक आ रही है, मैं ऑडिबल हूँ आप सभी को। एक बार जो है बोल दीजिए आप लोग। राइट, चलो तो क्लास की शुरुआत की जाए। भाई आज हम फिर से ग्रुप डी का एक पेपर सॉल्व करेंगे, और साथ साथ में अब थोड़ा हर बार जब भी आप नया पेपर सॉल्व करते हैं, जब भी आप नया पेपर लगाते हैं, तो हर बार कोशिश करिए कि पहले से ज़्यादा आपका स्कोर रहे। अगर आज आप 25 में 20 स्कोर कर रहे हैं या 25 में 15 स्कोर कर रहे हैं, तो अगली बार कोशिश करिए कि उसे 16 करा जाए, 17 करा जाए, 18 करा जाए। धीरे धीरे करके आपको मज़ा आने लगेगा कि आज कुछ नया करेंगे, आज कुछ नया करेंगे, आज ज़्यादा लेके आऊँगा मैं, आज तो एकदम 25 में 25 लेके आऊँगा। तो जब आपके अंदर ये वाली फीलिंग आने लग जाएगी ना कि आज मैं 25 में 25 लेके आऊँगा, उस दिन आपको फिर और ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको खुद ही लगने लगेगा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा एग्ज़ाम तो क्लियर हो जाएगा, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। वैसे बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, प्रिंस जुड़े हैं, फनी बॉयज, टिंकू, राजीव, दीपक, फनी, राजीव कुमार और नेहा, इतने सारे लोग जो है वो क्लास में जुड़ चुके हैं। तो अब हमें चल, बस एक मिनट दोस्तों, चल तो क्लास की शुरुआत करते हैं। सो यू आर वॉचिंग अनअकैडमी लेट्स क्रैक एन एसएससी यूट्यूब चैनल। ये एक यूट्यूब चैनल है, इसके साथ साथ में मेरी एक क्लास अनअकैडमी के ऐप पर भी होती है। कब होती है अनअकैडमी के ऐप पर, तो आप इसे भी देख सकते हैं। ये जो क्लास है, एक मिनट भाई यार, बड़ा दिक्कत है यार, आधा तो चलता नहीं है, आधा चलता है तो नहीं चलता। ठीक है, वाईफाई स्टडी वाले कोई जुड़ चुके हैं, शशांक शर्मा, हेलो शशांक, हेलो ओजस, हेलो राजीव, सभी को हेलो। तो अनअकैडमी क्लास होती है सुबह 10:30 बजे, और रेलवे क्लास होती है शाम को 4 बजे। दो क्लास मेरी अभी हो रही हैं अनअकैडमी पर, और एक यहाँ पर, ये भी फ्री है, इसमें भी आपको कोई पैसा नहीं देना, ये भी फ्री है, इसमें भी आपको कोई नहीं पैसा। लेकिन जो क्लास अनअकैडमी पेड वाली है, वो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। आप कुछ लोग पूछेंगे सर अपने बारे में बता दो, सो दिस इज़ ऑल अबाउट मी, ये मेरे बारे में आप पढ़ लीजिए। मैंने बीटेक किया है HBTI कानपुर से, लोक सेवा आयोग का इंटरव्यू दिया है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का इंटरव्यू दिया है, रेलवे NTPC का मेडिकल दिया है, 6 साल का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें, दिस इज ऑल अबाउट मी। जो बच्चे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं, वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और बहुत महंगा नहीं है। ऐसा नहीं कि मतलब कोई लाखों रुपए आपसे मांग रहे हैं सब्सक्रिप्शन के। तो आप गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करेंगे। ऐप डाउनलोड करने के बाद अपना गोल सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे SSC गोल कर देंगे। SSC गोल करने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे, और यहाँ पर आप कोई भी प्लान चूज कर सकते हैं। 300 रुपये पर महीने से स्टार्ट होकर ये लगभग 1200 रुपये पर महीने तक है। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा, प्राइस कम होता जाएगा। योगेन से मिलेगा आपको 10% का डिस्काउंट। चलिए, तो पहला जो सेगमेंट है हमारा, ये है रेलवे का। इसमें हम ग्रुप डी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं ग्रुप डी के लिए, भाई कितना स्कोर करना है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में बता देता हूँ, 30 क्वेश्चन है, और 30 क्वेश्चन में आज का मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ 20 क्वेश्चन। तो 20 30 60, 30 30 90, लगभग लगभग 65 और 68% के अराउंड में आपको स्कोर करना है। ठीक है, 65 से 68 के अराउंड में आपको स्कोर करना है। प्रिंस, हेलो प्रिंस भाई, हेलो कविता, चलो भाई क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। कुछ दिन पहले मैं TV देख रहा था, तो एक एंकर, इनका नाम है श्वेता तिवारी, ये बता रही थी कि घी को जलाने पर 1 क्विंटल ऑक्सीजन निकलती है ना। क्या बता रही थी कि घी को जलाने पर 1 क्विंटल जो है वो ऑक्सीजन निकलती है। तो मैंने थोड़ी देर सिर खुजाया, और फिर जब ठीक से सुना तो एग्जैक्टली वो यही कह रही थी। अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि घी को जलाने पर ऑक्सीजन निकल जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई मेरे, क्यों नहीं है ये समझ लेना। घी क्या है? ये एक हाइड्रोकार्बन है। अच्छा, हाइड्रोकार्बन क्या होता है दोस्तों? वो सारे पदार्थ, वो सारे एलिमेंट जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हैं, इन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जब भी हम कार्बन को जलाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, और हाइड्रोजन को जलाने पर वो H2O में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब भी किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे, दो चीज़ें जरूर मिलेंगी, एक तो है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा है
दूसरा क्या है, वाटर है। अगर आप लकड़ी को जलाओगे तो लकड़ी से भी क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा और H2O मिलेगा। ये बात आपको दिमाग में बिठा लेनी है। राइट आंसर कौन सा बनेगा, डी विल बी द राइट आंसर। सबसे पहले दिया है आंसर पवन ने, फिर नेहा ने आंसर दिया, दो बच्चों ने आंसर दिया। बाकी लोग क्या कर रहे भाई, बाकी लोग भी तो दे दो आंसर यार, पैसे नहीं लग रहे यहाँ पे, फ्री है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है भाई मेरे। ठीक है भाई, फाई स्टडी तो डी आंसर बनेगा, डी विल बी द राइट आंसर। अच्छा भाई एक बात और समझो कि अगर मैं किसी हाइड्रोकार्बन को, अगर मैं किसी हाइड्रोकार्बन को, हाइड्रोकार्बन को इन द एब्सेंस ऑफ CO2, इन द एब्सेंस ऑफ O2 जलाऊंगा तो बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जहरीली गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये एक जहरीली गैस होती है जो काला धुआं छोड़ती है। इतनी बात आपके समझ में आ रही है? तो किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाने पर हमेशा और हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलेगा। अगला प्रश्न, लिटमस बिलियन से, लिटमस जो बिलियन होता है वो कहाँ से निकाला जाता है, मतलब जो लिटमस सॉल्यूशन होता है। क्वेश्चन समझ लीजिए क्या कह रहा है कि लिटमस सॉल्यूशन कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कहाँ से निकाला जाता है। तो भाई लिटमस जो होता है वो थैलोफाइट की वनस्पति है। किसकी है, लाइकन थैलोफाइट्स की एक वनस्पति है। ठीक है, इसके साथ साथ में लिटमस पेपर एसिड और बेस के साथ में अलग अलग रिएक्शन करता है। अगर बात बेस की आती है तो नीले को कर दे लाल, को कर दे नीला, रेड से क्या कर देता है, ब्लू कर देता है लिटमस पेपर, है ना। वहीं अगर मैं एसिड की बात करूं तो एसिड में ये क्या करता है, ब्लू से रेड कर देता है। अच्छा लेकिन भाई क्वेश्चन तो और कुछ था और मैं निकल तो और कहीं आ गया हूं, क्वेश्चन सॉल्यूशन का था और मैं बता रहा हूं लिटमस पेपर के बारे में। ये दोनों रिएक्शन किसके साथ में देता है, पेपर के साथ में देता है। अच्छा लिटमस पेपर कहां से निकाला जाता है, तो रोशेला नामक एक वनस्पति होती है। क्या नाम है, रोशेला। यहां से निकाला जाता है लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस पेपर, और ये निकाला जाता है लाइकेन से। डी विल बी द राइट आंसर, लाइकेन से प्राप्त होता है लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस पेपर लाइकेन से प्राप्त होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है भाई, एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि अर्चिल जो होता है, एक और अर्चिल एक लाइकेन होती है, इससे ब्लू कलर प्राप्त होता है। आपने देखा होगा नील की खेती जो होती है वो इसी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बिजली के ताप प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है। इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है दोस्त कि जैसे कोई भी चीज होती है, अगर इसे हम गर्म करें, कोई भी एलिमेंट है अगर इसे हम गर्म करें तो ये क्या करता है, ये विस्तार करता है। किस तरीके से विस्तार करता है, किस तरीके से एक्सपेंड करता है, या तो इसकी लेंथ बढ़ जाती है, गुड इवनिंग अलीशा, या तो इसका एरिया बढ़ जाता है, या फिर इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो ऐसे एक्सपेंशन को हम कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन और एरियल एक्सपेंशन। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी कि जैसे जैसे हम चीज़ों में, जैसे जैसे हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो वो चीज़ फैलने लगती है, बड़ी होने लगती है, एरिया बढ़ने लगता है। ये सभी चीज़ें किसके द्वारा हो रही है, गर्म करने के कारण हो रही है। अब वो कह रहे हैं कि इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो जिसका गर्म करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक टोस्टर गर्म करता है, इलेक्ट्रिक केटली गर्म करती है, इलेक्ट्रिक आयरन गर्म करती है, लेकिन इलेक्ट्रिक बेल गर्म नहीं करती, बल्कि ये आवाज़ प्रोड्यूस करती है। गुड इवनिंग अंकित भाई, कैसे हो, गुड इवनिंग अरुण, गुड इवनिंग अंकित, गुड इवनिंग अभिषेक, गुड इवनिंग शशांक, दीप, अतुल, राजीव, सभी लोग गुड इवनिंग। लाइक नहीं है भाई, राजीव राजीव अरुण सब लोग लाइक वाइक भी कर दो यार, समझ में आ गई इतनी बात। तो एक और इंपॉर्टेंट है, कितनी हीट प्रोड्यूस होती है, तो H इक्वल टू होता है I²RT। ये फॉर्मूला अपनी किसी कॉपी पे जरूर लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रुप डी में 25 से ज्यादा बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 25 से ज्यादा बार ये फॉर्मूला रिपीट हुआ है। न्यूमेरिकल पूछा जाता है हीट जनरेट कितनी होगी, H=I²RT। ठीक बात, आगे चलें। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन क्या है, संभावित ऊर्जा किसके बराबर होती है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, संभावित एनर्जी उसके अंदर है। अगर मैं कहूँ कि बांध में कौन सी एनर्जी है तो आप कहोगे सर पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन जनरली मोहित कुमार कह रहे हैं गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मोहित। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका बनेगा M into G into H। ठीक है,
सुबह भी मैंने एक न्यूमेरिकल इसको अनएकेडमी क्लास में करवाया था, एक न्यूमेरिकल मैं यहाँ पे भी करवा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एक वस्तु है, जमीन से मैंने इसको फेंका, ठीक है, तो 320 मीटर की हाइट से अगर किसी कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है, 320 मीटर की हाइट से अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है तो बताइए गिरने से पहले इसकी वेलोसिटी क्या होगी, गिरने से पहले जस्ट इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बताओ जरा, सॉल्व करो इसको। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? एक बॉल है वो ऊपर से नीचे की तरफ फेंकी गई है, कितनी हाइट से फेंकी गई है, 320 मीटर की हाइट से फेंकी गई है। जब ये जमीन पर टकराने वाली होगी तो उस टाइम इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको एक थ्योरम आनी चाहिए, इसे हम कहते हैं चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी का मतलब होता है कि जब ये वस्तु यहाँ पे थी 320 मीटर की हाइट पे थी तो इसके अंदर कौन सी ऊर्जा थी, पोटेंशियल एनर्जी, और कितनी थी, MGH। और जैसे जैसे ये नीचे आने लगती है दोस्तों, यहाँ पर ये जो MGH एनर्जी है यही किस में परिवर्तित होने लगती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित होने लगती है। मतलब फॉर्मूला क्या हो जाता है, हाफ एम बी स्क्वायर। अब क्या करना है, अब आपको केवल सॉल्व कर देना है हाफ एम बी स्क्वायर और MGH को बराबर कर देना है। जरा करके देखो, मैं यहाँ पर सोल्यूशन कर रहा हूँ। तो अगर मैं हाफ एम बी स्क्वायर और MGH को बराबर करूँ तो देखो एम तो एम वैसे ही कट गया, इसलिए इसकी जरूरत नहीं थी और मैंने क्वेश्चन में दिया भी नहीं, ठीक है, इसलिए इसकी जरूरत भी नहीं थी और मैंने क्वेश्चन में दिया भी नहीं। अब हम क्या करेंगे, वी स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू, जी कितना हो गया 10 और हाइट कितनी हो गई 320, और ये 2 इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में 2 और हो जाएगा, तो टोटल हम कहेंगे वी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 6400। अब ये 6400 किसी ना किसी का स्क्वायर तो होता ही है, बोलो होता है या नहीं होता है। गुड इवनिंग पुष्पेंद्र, किसका स्क्वायर होता है, 80 का होता है, तो V बराबर कितना हो गया 80, ये इसका सही आंसर है, 80 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, ये न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, और संडे को एक न्यूमेरिकल क्लास भी रखेंगे हम। हेलो शिवांगी, अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 डिग्री के तापमान पर हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम कर देते हैं इसको। देखो भाई एक बात समझो कि 0 डिग्री के तापमान पर हवा में ध्वनि की चाल, हवा में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड या फिर 333 मीटर पर सेकेंड के अराउंड होती है, लेकिन वो कितना तापमान बताया, 25 डिग्री, कितना तापमान बताया 25 डिग्री। अच्छा एक बात बताओ मुझे, एक मैंने बचपन में पढ़ा था हमेशा कि 1 डिग्री तापमान बढ़ने पर साउंड की स्पीड 0.6 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है, 1 डिग्री तापमान बढ़ने पर 0.6 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ जाती है, तो 100 डिग्री पर कितनी बढ़ेगी, मैं कहूँगा 100 डिग्री पे बढ़ेगी, कितनी हो गई भाई 60 हो जाएगी, तो 25 डिग्री पर कितनी बढ़ेगी, तो 25 डिग्री पे बढ़ेगी 15, निकल के आ गया। अब क्या करूँ, अब 15 जोड़ दो इसमें, अगर मैं इसमें 15 जोड़ दूँ कितना बन रहा है, 347 बन रहा है, 347 विल बी द राइट आंसर, 346 या 347 इसका सही आंसर सही हो जाएगा, ठीक बात है। अब मैंने ये फॉर्मूला क्यों बताया है, ताकि आपको आगे कहीं जाके लटकना ना पड़े। भाई यहाँ पे तो मैंने बता दिया 25 पे 346 होती है, आपने रट लिया, लेकिन एग्जाम गए वहाँ पे उसने पूछा ये बताइए कि बाकी 50 डिग्री के तापमान पर साउंड की स्पीड क्या होगी। अब बताओ जरा, अगर तापमान 50 डिग्री हो जाए तो फिर साउंड की स्पीड क्या होगी, फटाफट बताइए जरा, देखते हैं आपके दिमाग में बात घुसी है कि नहीं घुसी है। कितना हो जाएगा, 60 का आधा कर दो 30, भाई 100 डिग्री पे 60 सेंटीमीटर पर सेकंड बढ़ जा रही है, तो 50 में कितनी बढ़ेगी, 30 जोड़ दो 30 इसमें से, तो 332 प्लस 30 कितना हो गया, 362 के अराउंड इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है।
ठीक है, समझ में आ गया। तो दो चीज़ें आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको याद रखना है। पहली चीज़ इंपॉर्टेंट आपको यह क्या याद रखनी है कि 0 डिग्री पर साउंड की स्पीड कितनी होती है, 332 होती है। और दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है, 1 डिग्री तापमान बढ़ाने पर साउंड की स्पीड 0.6 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज कर जाती है। ये दो चीज़ें अगर आपको याद है तो आप ऐसे फॉर्मूले चुटकियों में उड़ा देंगे। ठीक बात है, घुस गई तुम्हारे दिमाग में, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। 520 ग्राम पानी में 45 ग्राम नमक को घोल कर एक बिलियन तैयार किया गया, तो पानी का वजन कितना है भाई? 520 ग्राम है, नमक का वजन कितना है भाई? 45 ग्राम है। अब वो कह रहा है कि द्रव्यमान सांद्रता कितनी होगी, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ नमक कितना होगा। नमक का कंसंट्रेशन बता रहा है भाई, तो हम क्या करेंगे, हम पूरे घोल को देखेंगे, पूरे घोल का वजन कितना है और उस पूरे घोल के वजन में नमक का वजन कितना है। समझ में आ रहा है, आपके दिमाग में बात जा रही है? मैंने क्या कहा, फिर से समझ लीजिए, मैं देखूंगा कि पूरे के पूरे बिलियन का वजन कितना है और उस बिलियन में हमारे नमक का वजन कितना है। तो भाई नमक कितना है, नमक तो है 45 ग्राम और टोटल बिलियन कितना हो गया, 520 प्लस 45, 520 प्लस 45 कितना हो गया, 565 हो गया। तो 565 मल्टीप्लाई बाय 100, अब जरा करके देखो आंसर कितना आ रहा है, जरा करके देखो आंसर कितना रहा है, आंसर लगभग 7.96 के अराउंड आ जाएगा। राइट आंसर विल बी 7.9, आप मल्टीप्लाई कर लेना आप, ठीक है, डिवाइड मल्टीप्लाई आप लोग खुद कर लीजिए, आपका आ जाएगा आंसर। हाँ ठीक है, आगे चले, मजा नहीं आ रहा है, मजा कैसे है बताओ भाई आकाश, मजा कैसे लाया जाए। कभी कभी क्वेश्चन आसान होते हैं, कभी कभी डिफिकल्ट होते हैं, जब डिफिकल्ट होते तो मजा आता है, जब आसान होते तो नहीं आता है। चलो भाई तुम्हें मजा दिला देते हैं, आप टेंशन ना लो, हम तो मजा ही दिला देते हैं। तो मजा ये है कि एक प्लेन है, ठीक बात, ये प्लेन आगे जा रहा है, ठीक बात है भाई, यहां से एक इसने रोटी का पैकेट ड्रॉप किया, ठीक है, जमीन पर। तो जब ये रोटी का पैकेट जमीन पर गिरेगा तो उस टाइम पर ये प्लेन की पोजीशन क्या होगी, ठीक है, जस्ट अबव होगा प्लेन, जस्ट अबव होगा, या प्लेन पीछे रह जाएगा, या प्लेन आगे निकल जाएगा, अहेड हो जाएगा, या फिर कांट से, बताओ जरा इसका आंसर। क्वेश्चन किसमें पूछा गया है, ALP टेक्नीशियन में पेपर है, रेलवे ALP का टेक्नीशियन का जो पेपर होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब मिश्र धातु में टिन किसमें होता है, तो दोस्तों टिन और लेड से मिलकर बना होता है, क्या बना होता है, सोल्डर, और सोल्डर में ये दोनों होते हैं। स्टील में क्या क्या होता है, आयरन होता है, निकल होता है, क्रोमियम होता है, मैग्नीज होता है। ओजस कह रहे हैं कि प्लेन आगे चला जाएगा, अच्छा भाई। ब्रास में क्या होता है, कॉपर एंड जिंक होता है, ठीक है। ब्रॉन्ज में क्या होता है, कॉपर और टिन होता है, ये भी याद रखना है आपको, ये भी पूछा गया है। साथ साथ में पूछा गया है कि भाई अहेड रहेगा, अच्छा आशीष कह रहे हैं अहेड हो जाएगा, और कोई बताना चाह रहा है भाई, एयर का रेजिस्टेंस ना है, नहीं है, राजीव कुमार है कह रहे हैं ए आंसर होगा, कुछ कह रहे हैं सी आंसर होगा। तो मेरे भाई जब इस वस्तु को हम ड्रॉप करेंगे तो आपने एक नियम सुना होगा, जड़त्व का नियम, सुना है कि नहीं सुना है? जड़त्व का नियम क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु चल रही है तो वो चलती रहेगी जब तक उस पर फोर्स ना लगाया जाए, रुकी है तो रुकी रहेगी जब तक उस पर फोर्स ना लगाया जाए। अगर ये प्लेन के अंदर आदमी बैठा हुआ है तो उसकी भी तो वही स्पीड है जो प्लेन की स्पीड है, और अगर ये आदमी कोई पैकेट लिए है तो उसकी भी सामने की तरफ वही स्पीड है जो इस आदमी की है, जिस प्लेन की है।
तो कहने का मतलब है कि जब इस पैकेट को हम नीचे गिराएंगे तो ये पैकेट आगे की तरफ किस स्पीड से जाएगा, v की स्पीड से जाएगा, और नीचे की तरफ किस स्पीड से जाएगा, g की स्पीड से जाएगा, नीचे की तरफ g खिंचता जाएगा, तो मतलब ये पैकेट कुछ इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? और जब ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा तो यहां सामने की तरफ उसकी स्पीड हमेशा v बने रहेगी, लेकिन नीचे की तरफ उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो जो स्पीड इस प्लेन की है वही स्पीड इस पैकेट की भी रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक ये पैकेट जमीन पर टच नहीं कर जाता, क्योंकि जमीन पर टच करते ही एक फोर्स लग जाएगा जो इसे आगे जाने से रोक देगा, क्योंकि क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन यहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, एयर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो जस्ट अबव होगा। ए विल बी द राइट आंसर। सबने आंसर गलत दिया है, सबने आंसर गलत दिया। तो जड़त्व के नियम के कारण ये जो पैकेट है जब जमीन पर गिरेगा तो वस्तु जस्ट, जो प्लेन है वो जस्ट उसके ऊपर ही होगा, क्योंकि इस पैकेट का जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो प्लेन की वेलोसिटी के बराबर रहेगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मतलब क्षैतिज जो गति है वो हमेशा बराबर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास आर कॉल्ड। वो क्या कह रहा है? वो सारे एटॉमिक, वो सारे पदार्थ, वो सारे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर समान है लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग है। हाइड्रोजन 1H1, 1H2, 1S3, ठीक है। आगे देखो, कार्बन C6H12, C6H14, एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है। क्या कहते हैं हम? आइसोटॉप्स कहते हैं। आइसोमर क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर डिफरेंट, डिफरेंट और एटॉमिक मास सेम, एटॉमिक मास सेम, जैसे कि कैल्शियम और पोटेशियम। 1940 और 2040, इन दोनों का सेम सेम। आइसोबर, आइसोबर क्या होते हैं? सॉरी उल्टा हो गया है, आइसोमर अलग चीज होती है, ये आइसोबार है। आइसोबर अलग चीज होती है, आइसोबार अलग चीज होती है, ये आइसोमर, ठीक है, ये सही कर लो। और आइसोमर क्या होते हैं? जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है, ठीक है। आगे चले। हेलो मधु, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, कुछ आइसोटॉप्स का यूज मैं बता देता हूँ, कुछ आइसोटॉप्स के यूज पूछे जाते हैं। आइसोटॉप्स ऑफ सोडियम ब्लड सर्कुलेशन में इसका उपयोग करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन में। आइसोटॉप्स ऑफ कोबाल्ट कैंसर ट्रीटमेंट में इसका उपयोग करते हैं, कैंसर ट्रीटमेंट में। आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन 1H2 कहाँ उपयोग करते हैं? हैवी वाटर मॉडरेटर के रूप में उपयोग करते हैं, हैवी वाटर मतलब मॉडरेटर के रूप में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे देखो, इसके बाद आता है पोटेशियम, सॉरी फास्फोरस। तो फास्फोरस का उपयोग कहाँ करते हैं? बोन कैंसर में, हड्डियों के कैंसर में हम फास्फोरस के आइसोटॉप्स का उपयोग करते हैं। यूरेनियम के आइसोटॉप्स का उपयोग कहाँ किया जाता है? एक तो एटम बम बनाने के लिए, और साथ साथ में एटम बॉम्ब के साथ साथ में पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए, रॉक और अर्थ की आयु ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इतने सारे आपको याद रखने हैं आइसोटॉप्स जिनका अलग अलग उपयोग किया जाता है, ठीक भाई। क्या रुक गया है क्या क्लास? क्या रुक गई है क्या भाई, बताओ जरा। जहां तक क्लास चल तो रही है प्रॉपरली भाई, क्लास प्रॉपर है ना? हाँ प्रॉपरली चल रही है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ध्वनि प्रसार के दौरान, एक मिनट, चलो
वो कह रहे हैं कि ध्वनि प्रसार के दौरान निम्नलिखित में से जो डेंसर पार्टिकल्स का एरिया है उसे क्या कहा जाता है? उसे ऑक्सीलेशन कहा जाता है, रिफ्रेक्शन कहा जाता है, रेजोनेंस कहा जाता है और कंप्रेशन कहा जाता है। तो आप इसको देख रहे हैं, जब भी आप इसको बजाएंगे तो यहाँ का एयर का पार्टिकल दबेगा। ये ठीक से दिख नहीं रहा है, एक मिनट देखता हूँ मैं, ये हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ये हो नहीं पा रहा है एक्चुअली में, कोई बात नहीं, बट आप यहाँ से इसको यहाँ पे करके देख लीजिए। तो ये जो क्षेत्र है इसे कहते हैं कंप्रेशन और ये जो क्षेत्र है इसे कहते हैं रियर फ्रैक्शन। रियर फ्रैक्शन राइट आंसर क्या बनेगा? डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोग्राम की वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। तो एक वस्तु है 1 kg, कितनी हाइट तक उठाया गया? तो मैंने इसको उठाया 10 मीटर की ऊंचाई पर। गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? गुरुत्वबल के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? भाई देखो, करना कुछ भी नहीं है, गुरुत्वबल कितना कार्य करेगा तो हम यही तो कहेंगे कि कार्य कितना होता है, चेंज इन एनर्जी। मैंने बताया था आपको इसके पहले भी, बहुत बार मैं ये चीज बता चुका हूं कि जो एनर्जी में डिफरेंस होता है वही हमारा, हाँ, हाई प्रेशर रीजन जो है कंप्रेशन होता है, लो प्रेशर रीजन जो है वो रियर फ्रैक्शन होता है। बिल्कुल सही लिख रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि जो चेंज इन एनर्जी होता है वही कार्य होता है, और चेंज इन एनर्जी कितना हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी mgh? तो हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, कितना बनेगा? m हो गया हमारा 1, g हो गया हमारा 10, सॉरी हाइट हो गई हमारी 10 और g हो गया 9.8। कितना हो गया? 9.8 हो गया। अब ये नेगेटिव में होगा या पॉजिटिव में होगा, तो इसको निकालने के लिए आप ये देखो गुरुत्वबल के किस डायरेक्शन में काम किया गया है। यहाँ पे गुरुत्वबल नीचे की तरफ है, कार्य ऊपर की तरफ किया गया, इसका मतलब ये हुआ कि कार्य हमारा नेगेटिव है। राइट आंसर कौन सा बनेगा? ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, कार्य हमारा नेगेटिव होगा। एक कह रहे थे मैथ की क्लास कब से चलती है? मैथ की क्लास करनी है क्या तुमको भाई? मैथ की क्लास भी चलती है, शाम को चलती है। यदि कार्य 2000 जूल ऊर्जा का उपयोग करती है और उसका उत्पादन 5000 जूल है तो कार्य की क्षमता कितनी होगी? ओके, ये तो बहुत ही आसान है। उत्पादन कितना है? उत्पादन है 500 जूल, और क्षमता कितना है? क्षमता इसकी कितनी है? क्षमता है 2000 जूल की। कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 100, 25% आंसर आ जाएगा। बी विल द राइट आंसर। एक कह रहे सर 9.8 होगा, ऋतु जायसवाल कह रही है 9.8 तो नहीं होना चाहिए। माइनस ही होगा भाई, मल्टीप्लाई गलत किया क्या मैंने? हाँ, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 98 आएगा। ये सही है, ये बात मैंने मान ली कि ये 98 जूल आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक था वो। इसका आंसर 25% होगा। ठीक है, पच्चीस ही परसेंट आ रहा है ना, बताओ भाई। भाई 5500 जूल क्रिएट कर रहा है, 500 जूल क्रिएट कर रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी कितनी है? 2000 मल्टीप्लाई बाय 100। यार देखो सही बन रहा है, यही तो आ रहा है, गलत क्यों कर रहे हैं तुम लोग? 40% कैसे आ जाएगा? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। चालीस परसेंट आ रहा है या फिर 20% आ रहा है, पहले तो जी बताओ। 25% सही है, बिल्कुल सही है, बात खत्म करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट, तत्व नहीं है। कॉपर तत्व है, ऑक्सीजन
तत्व है, हीलियम तत्व है, पानी कंपाउंड है। बात खत्म हो गई, बी विल बी द राइट आंसर। कॉपर एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है कॉपर। इसके लोटे में मतलब तांबे के लोटे में पानी पीने से आपके बॉडी के बैक्टीरिया मर जाते हैं, ठीक है। हाँ, ऑक्सीजन के तीन आइसोटॉप्स होते हैं, तीन एलोट्रॉप होते हैं, ओजोन होता है और सिंगल ओ होता है जिसे नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। सबसे हल्की गैस हीलियम का उपयोग किया जाता है गुब्बारों में। हाइड्रोजन ज्वलनशील होती है इसलिए उसका उपयोग नहीं करते, लेकिन सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है। इसके साथ साथ में गोताखोर अपने साथ साथ में गोताखोर जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ में जो गैस लेके जाते हैं वो है हीलियम। ये भी आपको याद रखना है, हीलियम का उपयोग करते हैं। आने वाले दिनों के बारे में धनंजय मैं कुछ नहीं कह सकता, ये तो आने पे ही पता चलेगा कि होगा कि नहीं होगा। अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम किसके शासन काल के एक महत्वपूर्ण कवि थे? जहांगीर अकबर औरंगजेब और शाहजहां। शाहजहां ने कवि में कोई से इंटरेस्ट ही नहीं था। शाहजहां के टाइम पर स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता था। एक बार रुकिएगा दोस्तों, ओके एक बार 12 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। हाँ, ये इसमें क्या दिक्कत है भाई बताओ। देखो मेरी बात समझो, इनपुट कितना है, इफिशियंसी का फॉर्मूला लिख लो भाई। इफिशियंसी का मतलब क्या है, आउटपुट कितना आ रहा है, इनपुट कितना दे रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100 फॉर्मूला लगा लो, ये एफिशिएंसी होती है। कि कौन पूछा था, ये पवन पूछा था। सर क्लास कब स्टार्ट हुई कोई बताएगा? क्लास 4 बजे स्टार्ट हुई थी, ठीक है मधु। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? तो ये स्थापत्य कला का हो गया, औरंगजेब ने ऐसी कोई कला की नहीं है। जहांगीर के टाइम पे चित्रकला थी, चित्रकला थी। अकबर के टाइम के कौन कौन है? अकबर के टाइम के जो मेन हैं वो हैं, आपको पता ही होगा, एक तो फैजी थे, अबुल फजल थे और बदायूनी थे। ये तीन मेन कवि थे। शाहजहां इज द राइट आंसर, ठीक है। हमने बोल दिया, आपने मान लिया। तो अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम, ये दोनों के दोनों महत्वपूर्ण कवि थे शाहजहां के टाइम पर, ठीक है, शाहजहां के टाइम पर। अब यह क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, न्याय की जंजीर किसके टाइम की काल लगाई गई है? तो न्याय की जंजीर जहांगीर ने लगवाई थी। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसके काल में हुई है? तो औरंगजेब के काल पर हुई है, औरंगजेब के काल पर हुई है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अमृतसर शहर किसके दान पर बसाया गया है? तो वो अकबर के टाइम पर। अकबर ने गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दी थी, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, जिंदा पीर किस शासक को कहा जाता है? तो औरंगजेब को कहा जाता है, ठीक है। औरंगजेब ने एक मकबरा बनाया था जिसका नाम है बीबी का मकबरा। ये कहाँ पे? औरंगाबाद में है। शाहजहां ने एक शहर बसाया था जिसका नाम है शाहजहानाबाद। ये कहाँ पे? दिल्ली के पास में है। शाहजहानाबाद किसके द्वारा बसाया गया है? शाहजहां के द्वारा बसाया गया है, ठीक बात है। इतनी सारी चीज़ें जो है वो क्वेश्चन यहाँ से बने हुए। और भी क्वेश्चन है लेकिन हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
जंगलों के संरक्षण और नए पेड़ों के रोपण हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए 1950 में किसके द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी? हमारे नवोदय विद्यालय में भी हर महीने हर साल वन महोत्सव मनाया जाता था। हम लोग जम को पेड़ लगाते थे और फिर इतने ज़्यादा हो गए कि अब वो जंगल बन गया है पूरा। देखो भाई, अगर हम बात करें कि यहाँ से कितने क्वेश्चन बने हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल से क्वेश्चन बनाया कि बारदूली का आंदोलन कौन चलाया था, तो आपको याद रखना है कि बारदूली का आंदोलन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने शुरू किया था। संविधान सभा में प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और भारत के गृह मंत्री भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अंतिम कांग्रेस समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही चुने गए थे, लेकिन बाद में जवाहरलाल नेहरू बन जाते हैं। अच्छा, राइट आंसर क्या बनेगा? के एम मुंशी इसका सही आंसर है। के एम मुंशी इससे जुड़े हुए थे। अब एक क्वेश्चन और है जो पूछा जाता है, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था और किस क्षेत्र में चलाया गया था? तो 1974 में, 1974 के अराउंड में, 1974 के अराउंड में उत्तराखंड के क्षेत्र में ये चलाया गया। अच्छा, किसके द्वारा चलाया गया था? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा इनके द्वारा ये चलाया गया। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब आया? 1973 के अराउंड में इंडियन टाइगर फॉरेस्ट एक्ट आया था, जिसमें टाइगर को रिजर्व करने की बात हो रही थी। जवाहरलाल नेहरू से क्वेश्चन बन जाते हैं। इनकी एक किताब, इसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये आपको याद रखना है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वीय स्थिरांक का जी की एक इकाई है? जी से क्वेश्चन पूछा गया कि जी की वैल्यू कितनी होती है, तो 6.67 इंटू 10 to the power 11, ये इसकी वैल्यू होती है। इसके बाद का हम आंसर लिख देंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। -11 है यहाँ पे, 6.67 इंटू 10 to the power -11। अच्छा दोस्तों, एक क्वेश्चन और बनता है कि हम जी निकालेंगे कैसे। तो फोर्स इज इक्वल टू होता है कैपिटल जी m1 m2 upon r2। तो G बराबर क्या हो गया भाई? तो G बराबर हो गया F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 into m2। अब निकाल लो यहाँ से, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन इंटू रेडियस मतलब L स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये भी kg और ये भी kg मतलब kg स्क्वायर। बनाओ जरा क्या बनेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर और kg का -2, ये इसका सही आंसर बन जाए। हाँ बिल्कुल सही है, तो सी विल बी कौन सा आंसर बन रहा है यहाँ पे? कोई है आंसर? अरे यार ये तो है ही नहीं, ये नीचे बनेगा, राइट है, ए विल बी द राइट आंसर, ए आंसर सही बन जाएगा। ठीक है, तो 16 का आंसर जो डी बता रहे हैं वो गलत है भाई, 16 का आंसर ए बनेगा। रितु जायसवाल, शिवांगी, नेहा ने सही आंसर दिया है, दीप ने सही आंसर दिया है, पवन ने सही आंसर दिया, इतने लोगों ने सही आंसर दिया। ठीक है, आगे चले। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव की आवर्त श्रेणी में क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहते हैं? क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल। तो आपने देखा होगा इस तरीके से अगर पीरियोडिक टेबल है ठीक है, तो ये जो लाइनें हैं ना, ये जो लाइनें इनको क्या कहते हैं? वो ये कह रहा है कितनी लाइनें होती हैं नीचे की तरफ, टोटल 7 लाइनें होती हैं, और 7 लाइनों को क्या कहते हैं? ठीक है, और 7 लाइनों को क्या कहते हैं? 7 लाइनों को कहते हैं पीरियड्स। ए विल बी द राइट आंसर। तो 17 का आंसर क्या बनेगा? पीरियड्स। और इन लाइनों को क्या कहते हैं? इन लाइनों को क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं ग्रुप। तो ग्रुप और पीरियड्स। अच्छा, ग्रुप्स कितने होते हैं? 18 ग्रुप होते हैं, और पीरियड कितने होते हैं? 7 पीरियड होते हैं। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसे देख सकते हैं, ये एक पीरियोडिक टेबल है, आपको शायद प्रॉपरली दिख भी रही होगी। ठीक है, याद करने का तरीका बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं,
तो इसको याद करने का तरीका कुछ भी नहीं है, ये दोनों ग्रुप आपको याद रखना है। इसकी वैलेंसी हमेशा एक होगी, इसकी वैलेंसी दो होगी, इसकी वैलेंसी हमेशा तीन होगी, इसकी वैलेंसी चार होगी, इसी तरीके से वैलेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड रहती हैं। याद करने का तरीका है ली ना की रब से फरियाद, है ली ना की रब से फरियाद, ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी या फिर रोए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी या फिर रोए। रितिका यदुवंशी जुड़ी हैं। इसके बाद इसे याद करने का तरीका है साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस क्वाइन नहीं कहाँ जाऊं, ये भी याद करने का तरीका था। ठीक है, बाकी बैगन यहाँ पे बी है, सबसे ऊपर जो दिख रहा है एल्युमिनियम के ऊपर ये बी है। तो बैगन आलू गाजर इन थैले में, कहे शिव जी सुने पार्वती, नाना पाटेकर असरानी सब बीमार, ओल्ड स्टाइल से टीपो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट टेबल है जिसे आप याद कर सकते हैं। और जो रेडियस है वो यहां से यहां की तरफ जाते हुए रेडियस कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन अधिक भिन्नता उत्पन्न करने की अनुमति देता है। अरे यार, ये क्वेश्चन मैं बहुत बार बता चुका हूं और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कम से कम 7-8 बार पूछा जा चुका है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो, पौधों में, या मैं ये कह सकता हूं कि जो भी रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा भिन्नता होती है। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे समझिए आपकी अगर पिताजी हैं और उनका बच्चा पैदा हुआ, या माँ बाप मिलके जो बच्चा पैदा कर रहे हैं, दोनों जो बच्चा होगा वो एग्जैक्टली फोटोकॉपी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि जी एकदम एग्जैक्टली सेम टू सेम पापा की तरह ही दिख रहा है कि आप पहचान ही नहीं पा रहा हो, ये कोई मूवी नहीं चल रहा है, ये सूर्यवंशम मूवी चल रही है, पापा भी अमिताभ बच्चन है, बेटा भी अमिताभ बच्चन है, उनका भी बेटा अमिताभ बच्चन है, दादा भी अमिताभ बच्चन थे, तो ऐसी कोई मूवी नहीं चल रही है। तो जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जितने भी प्रजनन होता है वो हमेशा ज़्यादा वेरिएशन देता है, धीरे धीरे करके चीज़ें बदलती जाती हैं। राइट आंसर क्या बनेगा, ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खारी ग्रामोद्योग सहकारी उत्पादक संघ की लिमिटेड की स्थापना कब की गई है। तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कोई मतलब नहीं इनका, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, 1954 विल बी द राइट आंसर। 1954 में खादी ग्रामोद्योग की स्थापना की गई थी। ठीक है, पवन कह रहे हैं एडवांस मैथ के लिए एक बेस्ट यूट्यूब चैनल बताओ ना। पवन, एडवांस मैथ के लिए ना आप अनअकैडमी पे जाओ, या फिर आप जो है पवन राव सर से पढ़ सकते हैं, अभिनव शर्मा से पढ़ सकते हैं, और भी बहुत सारे टीचर हैं, आप अवधेश दीक्षित से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्लेरेन्काइमा कोशिका भित्ति किसके कारण मोटी होती है। रिपीटेड क्वेश्चन, इसका आंसर सही बताना। रिपीटेड क्वेश्चन, तीन टाइप की प्लांट टिश्यू होती हैं बेसिकली। सबसे पहली पैरेन्काइमा, ये बीच बीच में खाली होती है, स्पेस होता है, और इसी स्पेस में हवा भर जाती है और पानी का संवहन होता है। इसी के कारण ये जो पैरेन्काइमा से बनने वाले जो पौधे होते हैं वो फ्लोट करते हैं, मतलब तैरते रहते हैं इंटर सेलुलर स्पेस के कारण। पैरेन्काइमा इंटर सेलुलर स्पेस, बीच में स्पेस रहेगा, तैरती रहती हैं। कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा क्या होती हैं, ये लचीलापन प्रदान करती हैं। पौधा अगर लचीला है तो कॉलेनकाइमा के कारण है, इसमें सेल वॉल्यूम मौजूद होती है और ये मैट्रिक्स के रूप में आपस में जुड़ी रहती है। और तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा, ये एकदम डेंसली आपस में जुड़ी हुई होती हैं और ये बनी होती हैं डेड सेल के द्वारा, जिन्हें हम कहते हैं लिग्निन। डेड सेल से बनता है लिग्निन और वही इसका सही आंसर बनेगा। तो पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा से क्वेश्चन कम से कम नहीं तो 40-50 क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग शिफ्ट में। आप इसे याद कर लो, मैं फिर से बता देता हूँ,
पैरेन्काइमा से पत्तियां तैरती रहती हैं, पौधे तैरते रहते हैं, इनके बीच में हवा होती है। कोरेन्काइमा से पौधे लचीले होते हैं, लचीलापन मौजूद रहता है। और स्केलेन्काइमा से पौधे कठोर होते हैं, पौधे ये डेड सेल से बने होते हैं, जिसे हम लिग्निन कहते हैं और सेलुलोज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? इन विच कंडीशन डज द बॉडी अकर ड्यूरिंग द फ्री फॉल? रेस्ट में होता है, भारहीनता में होता है, गतिक में होता है, या फिर कार्य समाप्त होने पर होता है, फिनिश्ड कार्य पर होता है। एक वस्तु गिर रही है नीचे की तरफ, इसका भार कितना है? राइट आंसर बनेगा सी वाला, भारहीनता। कोई वस्तु जब गिरती है नीचे की तरफ गिरेगी, हमेशा उसे भारहीनता महसूस होगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि देखो W इज इक्वल टू क्या होता है, mg होता है। ये बात आपके समझ में आ रही है? समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अच्छा दोस्तों, लेकिन जब वस्तु नीचे की तरफ गिरती है तो यहां पर एक्सेलरेशन, स्यूडो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो जाता है। कितना हो जाता है? एम एन ए नॉट हो जाता है। और चूंकि ए नॉट जी के बराबर हो जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऊपर की तरफ जो सूडो फोर्स है और नीचे की तरफ जो वेट है, ये दोनों बराबर हो गए हैं। तो एम जी माइनस एम जी होकर नेट वेट कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। बात समझ में आई आपके? इसे हम भारहीनता कहते हैं। हाँ, मैं मैथ पढ़ाता था, अभी भी पढ़ाता हूँ, लेकिन चूंकि अभी जीएस पढ़ा रहा हूँ, अभी मैथ का नहीं है। ठीक है, वेटलेस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म हरियाणा की फुगड़ बहनों पर आधारित है? ये तो बहुत ही आसान है। सुल्तान सलमान खान की मूवी है, ये भी पहलवानी पे आधारित है। दंगल, ये भी, ये किसकी मूवी है? सलमान। ये किसकी मूवी है? ये मूवी है आमिर खान की। ये भी कुश्ती पर आधारित है, लेकिन दंगल विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुस्तकों का पृष्ठों से वही संबंध है जो मशीनों का किससे होता है? तो पुस्तक बनी होती है पृष्ठों से, तो मशीन बनी किससे होगी? पार्ट से। डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु का क्या नाम है? वो कौन सी धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है? तो पारा भी लिक्विड में रहता है और ब्रोमीन भी लिक्विड में रहता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि पारा मेटल है, ठीक है। डिफरेंस की बात ये कि पारा जो है वो मेटल है और ब्रोमीन क्या है? नॉन मेटल है। बस इतना सा डिफरेंस है। राइट आंसर डी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल हमारे पेट में उत्पन्न नहीं होता है? देख लेते हैं। लैक्टिक अम्ल दही से बनता है, तो पेट में जाएगा ही जाएगा, बनता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में निकलता है, गैस्ट्रिक जूस के साथ में क्या करता है? खाना पचाता है और खाने को सड़ने से रोकता है। बात सही है। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं निकलता। और एसिटिक अम्ल किस में होता है? खाने पीने के पदार्थों में होता है, सिरका में होता है। यह भी हमारी बॉडी से निकलता है, लेकिन यह नहीं निकलता है। तो सी यहां पर गलत आंसर हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड बैटरी में मौजूद होता है, इसे अम्लों का जो है, इसे जो है किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। और एसिटिक एसिड, इसे हम सिरका कहते हैं, विनेगर कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न। इनमें से कुतुबुद्दीन ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश की शुरुआत की। तो आपको बताने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब खुद को दिल्ली का सुल्तान बनाया और स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था, अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का लड़का आराम शाह उसे हटाकर उसी के दामाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ जाते हैं।
फिर इल्तुतमिश के बाद फिरोजशाह गद्दी पे बैठते हैं, लेकिन वो योग्य शासक नहीं होते, इसीलिए उनको गद्दी से हटा कर उन्हीं की लड़की मतलब इल्तुतमिश की लड़की रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठ जाती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता दी है। अब बात हुई 1206 की, राइट आंसर क्या बनेगा 1206। एक बार आप ये पूरी पूरी डायनेस्टी देख लो, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आते हैं, उसके बाद इनके पुत्र आराम शाह आते हैं और इनको हटाकर इनके दामाद आ जाते हैं, इनका नाम होता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने चालीसा की शुरुआत की थी, ये भी आपको याद रखना है। फिरोज शाह आते हैं, इसको हटाकर उनकी पुत्री रजिया बेगम आ जाती है इल्तुतमिश की। उसके बाद बहराम शाह बहुत सारे आते हैं, लेकिन इन दोनों का मतलब नहीं है, सीधे सीधे बलबन पर जंप कर जाओ, क्योंकि बलबन एक बड़ा शक्तिशाली राजा आता है रजिया सुल्तान के बाद में। कैकू बाद आते हैं और कैमूर्स के बाद में ये पूरा का पूरा जो स्लेव डायनेस्टी है वो ख़त्म हो जाती है। जो क्यूमर्स है उसको हराते कौन है, अलाउद्दीन जलालुद्दीन खिलजी, और वहाँ से खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है। फ्लोएम का मतलब मैंने आपको बताया था कि पौधे जो होते हैं उन्हें पत्तियाँ और जड़ों में कुछ अलग अलग तरीके की टिश्यू होती हैं, इनमें ये जो जड़ों वाली टिश्यू हैं इनमें जाइलम होती हैं, क्या कार्य करती हैं, जमीन के अंदर का वाटर और मिनरल्स कहाँ तक पहुँचाती हैं, पत्तियों तक पहुँचाती हैं। जाइलम का कार्य हो गया। इसके ठीक अपोजिट, इसके ठीक उल्टा, पत्तियों में मौजूद या फिर तने में मौजूद जो फ्लोएम टिश्यू होती हैं वो क्या करती हैं, नीचे की तरफ जाती हैं। अच्छा, जाइलम और फ्लोएम एक तरीके की कॉम्प्लेक्स टिश्यू में गिनी जाती हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में इनका नाम आता है, और ये क्या करते हैं, भोजन की आपूर्ति करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, यदि कोई कार्य धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, कमी होगी, उसका मन शून्य होगा या फिर कॉन्स्टेंट रहेगा। एक बात मुझे बताओ, अगर मैं ये कहूँ कि वर्क पॉजिटिव है तो आपको ये तो पता ही है कि वर्क एनर्जी थ्योरम के अनुसार जो चेंज इन एनर्जी होता है उसी को हम वर्क कहते हैं, ये बात मैंने बताई थी आपको। अच्छा, अगर एनर्जी बढ़ती जाएगी तो ही तो वर्क होगा, अगर एनर्जी घटेगी तो वर्क कैसे हो जाएगा, ये बात आप समझिए। अगर मैं ये कहूँ कि भाई मैं कार्य करूँगा तभी तो ऊर्जा आएगी, अगर मैं कार्य ही नहीं करूँगा तो ऊर्जा कहाँ से आएगी। तो डेफिनेटली है कि अगर कार्य पॉजिटिव है इसका मतलब है कि वहाँ पे एनर्जी लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि डेल्टा डब्ल्यू क्या होता है, डेल्टा डब्ल्यू होता है ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि फाइनल लगातार एनर्जी बढ़ रही है तभी तो ई फाइनल ज़्यादा होगा, ई इनिशियल कम होगा, तभी तो ये वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आपको यही याद रखना है फॉर्मूला, डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। तो अगर लगातार ये एनर्जी बढ़ेगी तभी ई फाइनल ज्यादा होगा और ये वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। राइट आंसर क्या बनेगा, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 एम्पियर के प्रतिरोध में 2 एम्पियर का करंट, ये 5 ओम है यहां पे, ठीक है, तो 5 ओम के प्रतिरोध में 2 एम्पियर का करंट बना रहता है, 1 मिनट तक प्रतिरोध के माध्यम से प्रभावित होने वाली आवेश की मात्रा ज्ञात करिए। करंट का मतलब क्या होता है, करंट का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, इसे हम कहते हैं करंट, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब हम ये कह सकते हैं I इज इक्वल टू हो गया Q बाई टी, ये हो गया I इज इक्वल टू कितना हो गया Q बाई टी। अब हमें निकालना क्या है, आवेश की मात्रा, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी, लगा दो बराबर, Q बराबर क्या हो गया, I कितना है हमारा, आई है 2 एम्पियर इंटू टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 60 मिनट, कितना आ गया 120 कूलम्ब। किसी का आया, किसी का नहीं आया, सब उल्टा सीधा लिख रहे हैं, केवल आशीष ने सही आंसर दिया। तभी तो आज 10 बजे क्लास नहीं होगी, वो कल के दिन ही थी, अब 10 बजे क्लास होगी 12 तारीख को,
क्योंकि 12 तारीख को फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट में पेपर होगा, तो क्लास 12 तारीख को हो गया। ठीक है, अंतिम प्रश्न, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो मैंने बहुत बार आपको बताया है, ये मान लीजिए स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये फेलोपियन ट्यूब है, स्पर्म यहां पे जाके अटैच हो जाता है, स्पर्म जो है वो यहां पे जाके अटैच हो जाता है और बना लेता है जाइगोट। इसके बाद आठवें दिन इस किनारे पे भाग पर क्या होता है, प्लेसेंटा होता है और यहां पे जाके ये इम्प्लांट हो जाता है। अब यहां पे अगर मैं भोजन की बात करूं, कौन लेके आ रहा है, तो जो फीमेल का भाग है, ये जो पार्ट है, यही तो लेके आएगा भाई, मेल तो अलग ही हो गया है, मेल गैमेट्स का तो कोई मतलब ही नहीं बचा। फीमेल गैमेट्स जो होता है, मादा जो युग्मक होता है, वही उसके फूड का इंतजाम करता है। राइट आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर इसका ए बन जाएगा। ठीक है, मादा गैमेट्स बनेगा। ओके, तो ये टोटल ऑफ नंबर क्वेश्चन, टोटल कितने क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन थे। इन 30 क्वेश्चन में अगर आपने 20 क्वेश्चन भी सही किए हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि आप बढ़िया चल रहे हो, ओके चल रहे हो, बढ़िया आपकी प्रिपरेशन चल रही है। लेकिन अगर आपके सही आंसर 20 से कम है तो फिर आपको थोड़ा वरी करने की जरूरत है, क्योंकि अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कि जब पेपर होने वाला होगा तब तक आप 20 से 25 तक पहुंच जाओगे। लेकिन अभी अगर आप 10 क्वेश्चन कर रहे हो तो 10 से 25 तक पहुंचने में आपको बहुत समय लग जाएगा, बहुत मेहनत लग जाएगी। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर अभी तक 20 के आसपास हुआ, 18 हो, 19 हो, 21 हो, तो बढ़िया चीज़ है कि आप पेपर तक पहुंच जाओगे 25 से ऊपर, और 25 से ऊपर पहुंच गए तो फिर आपको कोई माइकल लाल आपको निकाल नहीं सकता रेलवे से। लेकिन अगर अभी आप 10 से हो, 15 पे हो, 12, 5 पे हो, 6 पे हो, तो फिर आपको डिफिकल्ट होने वाली है। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको याद रखना है मेरा कोड, कोड क्या है योगेंद्र, यहाँ पे देखो नेहा के 26 क्वेश्चन सही है 30 में, बहुत बढ़िया स्कोर है, ये लड़की ने बहुत बढ़िया किया है। ठीक है, चल भाई आज की क्लास को हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं, कल फिर मिलेंगे 4 बजे, मेरी क्लास का टाइम है डेली 4 बजे ये क्लास होती है। थैंक यू ऑल, बाय बाय ऑल, देखते रहिए और बने रहिए लेट्स प्ले एसएससी एंड रेलवे पर।